कोई इंडिविजुअल स्टॉक, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन देखने को मिला है अमित जी इस पूरे हफ्ते में, चाहे वो हैवी वेट्स हो जिसमें SBI बढ़िया तेजी दिखा कर गया, रिलायंस ने एक अच्छी तेजी दिखाई इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान, IT में कुछ बाइंग थी लेकिन वो सब गिव अप हो गई, तो PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, हैवी वेट्स, ये सब चल रहे थे, तो कोई नाम जो आपको लगता है कि इस पर नजर रखी जा सकती है अगले हफ्ते के लिए भी? जी सुमित जी, मुझे रिलायंस का स्ट्रक्चर आज काफी पॉजिटिव लग रहा है। रिलायंस और ITC ये दो स्टॉक हैवी वेट है इंडेक्स के और इनका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। रिलायंस में हमने 3-4 दिन पहले एक करेक्शन कैंडल देखा था, इसका ब्रेकआउट लगभग 2500 के लेवल पे आया था, वो लेवल इसने ब्रेकआउट रिटेस्ट करके होल्ड कर लिया। आज की भी मार्केट में रिलायंस में काफी ट्रैक्शन था, 2500 वाज अ सिग्निफिकेंट लेवल। मुझे लगता है कि ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है रिलायंस में, हम आने वाले दिनों में 2700-2750 के लेवल्स देख सकते हैं। सिमिलरली ITC में अगर हम देखें तो रिजल्ट्स के बाद इसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया था, 350 का साइकोलॉजिकल मार्क इसने इसने 2-3 दिन पहले जरूर क्रॉस किया है, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है ITC में भी एक अच्छा मूव देख सकते हैं। SBI का, PSU बैंक में मुझे लगता है आगे चल के तेजी बनी रहेगी। SBI का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, सैटरडे को रिजल्ट जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि SBI आने वाले दिनों में इसमें लगभग पोजिशनली अगर 560 के लेवल होल्ड करते हैं तो हम 625 से लेकर 650 के लेवल SBI में देख सकते हैं। SBI नंबर्स का ध्यान रखिएगा, लेकिन अमित जी को पसंद है रिलायंस।